हम दोनों पहुंच गए वृंदावन गार्डन। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा। ये जो सामने दिख रही है ये दीवार है, फाउंटेन्स देख लो गाइस, और रात में यहाँ लाइट जलेगी तो और अच्छा लगेगा। और ये जो दीवार दिख रही है ये डैम की दीवार है, और म्यूज़िकल शो वहाँ होता है। देखेंगे वक्त मिला तो रात को जाएंगे। चलिए अब वेट करते हैं रात होने का, और रात होने के बाद जब लाइट्स ऑन होगी, कलरफुल लाइट्स ऑन होगी, तो देखेंगे किस तरह का आता है नज़ारा। रात हो चुकी है और गार्डन में लाइट्स ऑन हो चुकी है, तो कुछ नज़ारे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। कभी मैसूर आए तो आप ज़रूर यहाँ पर आए, और शाम को ही आए। ओके, तो ये जो मेरे पीछे आपको रास्ता दिख रहा है ये जाता है म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ, और यहाँ से जाती है बोट्स जो सीधा लेके जाती है 40 रुपीज़ पर हेड म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ। तो हमने डिसाइड किया कि अभी यहाँ से कुछ चाय पानी करके निकलते हैं रूम के लिए। थोड़ा रूम पे जाएंगे, एसी में आराम से बैठेंगे, क्योंकि कल सुबह फिर से बाहर निकलना है और राइड करनी है। चलिए चाय पी के बढ़ते हैं आगे। तो चलिए गाइस, ये है अपनी बाइक, और यहाँ से निकलते हैं और सीधे मिलते हैं होटल पे। तो भाई लोग अब निकल रहे हैं खाने के लिए। खाना नहीं मिलेगा अभी, 11 बजे हो गया है, क्या भी नहीं, पूरा बंद है। अब बने क्या कर रहे थे? हाँ हाँ, ओके, 9 बजे के अंदर जाके आज। तो भाई लोग, एक बैड न्यूज़ है। जैसे ही हम बाहर निकले, रिसेप्शन पे हमें कहा गया लॉकडाउन है, 11 बजे के बाद अगर कोई बाहर दिखा तो पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। तो खाना वाना अभी कुछ नहीं मिलेगा, वैसे चाहिए भी नहीं था,
तो वापस अंदर चलते हैं और मेरे पास घर के लाए हुए लड्डू है, तो वो लड्डू खाएंगे, यहाँ से पानी लेंगे बिसलेरी का, वो पियेंगे और आराम से सो जाएंगे। मिलते हैं कल सुबह। ओके, तो ये थे, ओके ये है घर से लाए हुए लड्डू।